यस मॉर्निंग। यस जानवी जिया, वेरी गुड मॉर्निंग। व्हाट यू वांट टू आस्क? मैम वो अब ऐसे तो समझ आ रहे, लेकिन जो डिफिकल्ट होते हैं वहां पे आप थोड़ा स्लो समझा दोगे व्हाट यू से? मैम? आप थोड़ा सा स्लो कर दो, ऐसे थोड़ा फास्ट भी समझ नहीं आ रहा था। कौन सा, क्या नहीं समझ आया मुझे बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम वो एग्जियम और पोस्टुलेट्स के पहले वाला नहीं समझ आ रहा था। एक्सियम्स और पोस्टुलेट से पहले हमने क्या किया था? मैम जब आप स्टोरी करवा रहे थे तब हमारा नेटवर्क भी नहीं ठीक था, और आप फास्ट भी करवा रहे थे थोड़ा। एनीवन हु एग्री विद जिया एंड जानवी कि मैं फास्ट करवा रही थी, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं बाकी सेक्शंस के साथ तो आई वाज मतलब वेरी मच बिहाइंड देन अदर टीचर्स। तो पहले तो ये बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं फास्ट करवा रही हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि फास्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। स्पीड इज एज जेन्युइन एज इट वाज अर्लियर। यस कानिश, यस मैम। स्पीड के बारे में आपका क्या विचार है? मैम की स्पीड आपकी, मुझे तो लगता नहीं कि मैं इतनी फास्ट करवा रही हूँ। वैसे मैं पूछ लेती हूँ आपको, क्लियर क्या नहीं है मैं रिपीट कर सकती हूँ, बट ये मैम सब कुछ क्लियर है। जी एंड जानवी से पूछते हैं, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है अगर नहीं क्लियर तो। वी आर हेयर टू लर्न द थिंग्स। जी एंड जानवी अनम्यूट योर सेल्फ। जिया जानवी अनम्यूट योर सेल्फ। बच्चे जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। जिया एंड जानवी वुड यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नो रिएक्शन। किधर गई दोनों? है ही नहीं, मुझे लगता उनका कनेक्शन ही लॉस हो गया। एनी हाउ चलिए, वी वर डूइंग फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड ना, फिफ्थ पोस्टुलेट। सो फिफ्थ पोस्टुलेट वॉज इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टूगेदर लेस देन 180 डिग्री देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन 180 दैट इज टू राइट एंगल्स। इसको हम प्ले फेयर एक्सियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे प्ले फेयर एक्सियम के बारे में, वो बता रहा है। तो फर्स्टली आई एम टेलिंग यू दैट इट इज ऑल्सो नोन एज प्ले फेयर एक्सियम। चलिए लेट मी एक्सप्लेन इट। इट इज जस्ट लाइक वी हैव डन इन द केस ऑफ यू कैन से पैरेलल लाइंस। सो व्हाट ही सेज, अपनी लैंग्वेज में मैं इसको बोलूंगी। इफ ए लाइन falls on the other two lines in such a way such that some of the angles on same side of the line, some of the two angles made by the line on the same side, maybe it be 1, 2, its sum, if the sum of the angles is less than two right angle, that means less than 180, then the two lines will meet on the same side where they have made the angle if we produce them indefinitely. Right? Once again, I am explaining. If a line falls on the another two straight lines in such a way such that some of the angles made by the line on the one side of the two lines is less than 180, that means less than two right angles, then the two lines, when we produce them indefinitely, will definitely meet on the same side where the angles are being made. बस इसको अगर समझ के बोलोगे तो आपकी थोड़ी लैंग्वेज कोई चेंज हो सकती है, बट आपका मीनिंग सेम रहेगा। इफ ए लाइन फॉल्स ऑन द टू लाइंस इन सच अ वे सच दैट सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लाइन ऑन द सेम साइड इज लेस देन 180 देन द टू लाइंस व्हेन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली डेफिनेटली मीट ऑन द सेम साइड वेयर द टू एंगल्स हैव बीन मेड। इज इट ओके? कुछ इसमें वो ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ इसको एक ही सांस में बोलना ही इस एक्सियम का वो है। अंशिया कुछ पूछना चाहती है। अंशिया मैम इसको वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। इसका क्या मैम? इस ये वाले फिफ्थ पोस्टुलेट को वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। वर्ड टू वर्ड लर्न करने की बात नहीं है, मैं आप तभी कह रही हूँ आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मीनिंग शुड बी द सेम। ओके मैम, जो मैंने बोला और जो मैंने नोट्स में लिखा है माइट बी देयर इज सम डिफरेंस बट द मीनिंग इज सेम। जिया जानवी आई वांट टू टॉक टू यू बिकॉज If you are not satisfied, then I am also not satisfied with the answer. आप अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो अपनी प्रॉब्लम। कम फॉरवर्ड, नॉट एबल टू अनम्यूट आई थिंक।
यस मैम। एक चीज आपने कही थी कि मैम नोट्स भेज देना, वो नहीं मैं भेज पाई, उसके लिए आई बेग योर पार्डन। अदरवाइज स्पीड की बात अगर आप कह रहे हो तो इससे ज्यादा कम और क्या करूं, बहुत पीछे हैं हम बाकियों से। बाकी रही कुछ ना समझ आने की बात, आप पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एज ए टीचर, दिस आई कैन से। हाँ जी जानवी मैम, बस जो आपने स्टार्टिंग में थोड़ी स्टोरी बताई थी ना, तब हमारा नेटवर्क बहुत खराब था, वो समझ में नहीं आई थी। चलो, we have started the chapter with the story, we'll end the chapter with story. और वो story मैं chapter के end में एक बार दोबारा repeat कर दूंगी, ठीक है? Okay जिया, जानवी, ठीक है। चलो, this is the fifth postulate of Euclid that I have explained right now. It is also known as play fair axiom. आपके पेपर में आ सकता है, which postulate of the Euclid known as play fair axiom? What will be your answer? Fifth postulate of the Euclid is known as play fair axiom. ठीक है, आगे हम करेंगे भी play fair axiom के बारे में, बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? So this is all about with the concept of the chapter. Now we'll start with the exercise. Before starting the exercise, one more definition I have to told you. You can see at page number 83 of your book. Otherwise, I can show you the definition and explain it accordingly. You see the another definition on the page is consistent system of axioms. When we say that system of axiom is consistent, two words होते हैं, आपने दो words सुने होंगे. One is consistent, another is inconsistent. Consistent क्या होता है? You might have listened this word in when you are मतलब watching cricket matches. Commentators, they used to say Sachin is a very consistent batsman. What is the meaning of consistent? That means in every of the inning he is performing, he scores the run. Consistent means the person who remains, you can say, consistent in performing his or her duties in his or her performance, right? That is consistent. If we try to learn the meaning of the word consistent, that is the, you can say, dictionary meaning of the word consistent. And what is the meaning of the word inconsistent? Inconsistent is that person who goes to play a match. In the first match, he scores 100. Second, third match, aise hi gaya. Fourth match, bhi aise gaya. Fifth match, mein fir 50 lagai. Inconsistent is that person whose performance is not, you can say, okay in all the innings. But randomly, the person scores good scores, ठीक है? But as far as system of axiom is concerned, when we say they are consistent, let us read. If in explanation of axioms, we see that no statement is developed from the explanation of the axioms, is contradicting any axiom or any previously proved statements, then we say that the system of axioms is consistent. समझ नहीं आया, मुझे पता है, मैं भी समझाती हूँ, explain करती हूँ. चलिए. Let me explain what I said. He says कि जब आप axioms की explanations दे रहे हो, आपने ये realize किया कि axiom की explanation देते time कोई ऐसी statement develop नहीं हुई, कोई ऐसी statement arise नहीं हुई जिसने किसी axiom को या previously proved statement को contradict किया हो. जिसने किसी एक्सियम को या प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया हो, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम. इन नटशेल और यू कैन से इन वेरी इजी लैंग्वेज, यू कैन से कि जब हम एक्सप्लेनेशन करते हुए हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट ना आए जो पुरानी बातों को या पुरानी प्रूव की हुई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, गलत साबित कर दे, तब हम उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एक्सियम. मान लो मैं यहाँ पे आपके सामने दो अपनी तरफ से कोई एक्सियम बना के लिखती हूँ. आई एम सेइंग दैट अ सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन विद गिवन सेंटर एंड रेडियस. पहला मैं लिखती हूँ, फर्स्ट टाइम राइटिंग, स्क्वायर हैज फोर साइड्स. तो ये मैंने एक सिस्टम बनाया जिसमें कि मैंने दो लाइनें लिखी आपके सामने कि दो मैंने अपनी तरफ से एक्सियम्स लिए. स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड ए सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन विद द गिवन सेंटर एंड रेडियस. आई डेवलप और यू कैन से आई फ्रेम अ सिस्टम ऑफ एक्सियम
कंटेनिंग टू एग्जिम इन फ्रंट ऑफ, मैंने अपनी तरफ से डेवलप किए, क्या आप इनको कंसिस्टेंट कह सकते हो? कैन यू से दे आर कंसिस्टेंट? गुरपाल ने फटाफट से ही शेक्स हिज हेड दैट इट इज नॉट कंसिस्टेंट. एनीवन एल्स? Is it, will this system be consistent? हाँ जी बताइए, क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा? दीपाली, will this system be consistent? No ma'am. Reason so? Ma'am sir, square has four sides but circle can be drawn with any radius and center can be at any point. ये जो मैंने सेकंड चीज लिखी है दैट ए सर्कल कैन नॉट बी ड्रॉन विद द सेंटर एंड विद द गिवन सेंटर एंड रेडियस, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स वन ऑफ द स्टेटमेंट और वन ऑफ द ट्रुथ दैट सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द गिवन सेंटर एंड रेडियस. जब किसी सिस्टम ऑफ एग्जिम में कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो पिछले प्रूफ की हुई स्टेटमेंट्स को या किसी डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है. एंड इफ देयर इज, मतलब अगर मैं लिख दूं सर्कल कैन बी ड्रॉन, नोट की जगह पे मैं कैन कर दूं, फिर ये जो सिस्टम मैंने बनाया इट विल बी कंसिस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी ऑफ द, यू कैन से डेफिनेशन, एनी ऑफ द स्टेटमेंट which is known earlier. So very easy to remember that what is the consistent system of axiom. If in explaining the axioms we are not able to, there doesn't exist any kind of you can say axiom or statement which is contradicting the previously proved statement, then we say that the system of axioms is consistent. Haan ji Gurpal. मैं वो ही बताना था कि एम कंसिस्टेंट है कि नहीं. अच्छा ठीक है, चलिए तो ये हमारा हुआ कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ एग्जिम, किसको बोलते हैं. लास्ट डेफिनेशन रहेगी हमारी जिसमें कि हमने देखना है कि ये आखिरकार ये थ्योरम्स क्या होते हैं. थ्योरम्स, अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स ए प्रूफ. थ्योरम भी बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. जिस स्टेटमेंट को प्रूफ की जरूरत है वो थ्योरम है. स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स ए प्रूफ दैट इज कॉल्ड थ्योरम. एक बात याद रखना, जब मैं थ्योरम की बात करती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि उसको प्रूफ की जरूरत है. थ्योरम के प्रूफ में हम एक्सियम्स को भी यूज करते हैं, यानी कि पहले से प्रूफ स्टेटमेंट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को. थ्योरम के प्रूफ में हम कुछ पोस्टुलेट्स को भी यूज कर लेते हैं. थ्योरम के प्रूफ में हम डेफिनेशंस को भी यूज करते हैं. इसका मतलब थ्योरम में पिछली सारी जो चीजें हैं, एक्सियम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन, एवरीथिंग इज यूज्ड, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड टू मेक इट्स प्रूफ. सो व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम इज अ स्टेटमेंट व्हिच रिक्वायर्स अ प्रूफ एंड टू हैंडल दैट प्रूफ वी कैन यूज एनी डेफिनेशन व्हिच इज लॉजिकल, एनी एक्सियम व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड एनी पोस्टुलेट व्हिच ऑलरेडी हैव सम आइडेंटिटी. दिस इज कॉल्ड थ्योरम. चलिए, दिस इज ऑल अबाउट विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर. न्यू थिंग फॉर यू, आई शुड से थिंग्स आर ओल्ड बट दे आर इन द न्यू वे. थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है चैप्टर, बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि ना लगे आपको बोरिंग, कहानियां कहानियां ठीक से बताई जाएं. एनी हाउ, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 व्हिच इज बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स. एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो. तो अब काफी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आती हैं. देखें जरा, फर्स्ट इज ओनली वन लाइन कैन बी पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट. अब मैं ये तो आप लोगों से पूछ लेती हूँ, इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत ही नहीं है. यू जस्ट रेज योर हैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है. ट्रू और फॉल्स? गुरलीन कौर, गुरलीन कौर, गुरलीन कौर, तनवीन, दिस इज फॉल्स बिकॉज फ्रॉम अ सिंगल लाइन, आई टोल्ड यू अर्लियर इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास. आपको पता है सन जो है दैट इज अ सेंटर फ्रॉम विच सो मेनी रेज आर डेवलप्ड. तो हम लाइन की बात कर रहे हैं, वैसे रे की यहाँ बात नहीं हो रही. आप कोई पॉइंट लो, उस पॉइंट में से आप इनफाइनेटली मैनी लाइंस को
पास करवा सकते हो, सिंगल होने की वजह से फॉल्स हुआ. सेकंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास. कैन आई आस्क जपजी दिस आंसर? जपजी कौर? मैम फॉल्स. व्हाई इट इज फॉल्स जपजी? Because from two distinct points only one line can pass. ये हमने कहाँ सीखा? Ma'am, in recall करो. Ma'am, in Gurupal in. Ma'am, in fourth axiom. एक्सियम तो है ही नहीं जो ज्योमेट्री के साथ लिंक हो गया स्पेसिफिकली, वो तो कभी एक्सियम होता ही नहीं है. सीधी सी बात है, ये ज्योमेट्री की बात है. एक्सियम तो हुआ है, होगा ही नहीं. 2.7 वाली लाइन पास हो सकती है. क्या है ये? कहाँ सीखा था हमने? मैं वो भूल गया. चलो जी, बहुत अच्छी बात है. जिया यू टेल. It is postulate one में हमने सीखा था. देखो जब जी आपने गलत बताया मुझे, ये इस चीज का कुछ नहीं है, बट आपने जब कहा ना कि ये axiom, that hits me. Axiom कैसे हो गया ये जब specifically geometry से deal कर रहा है. ठीक है, next. Terminated line can be produced indefinitely to both sides. True ma'am. Terminated line can be definitely produced to both sides. True or false? मैम true. कहाँ सीखा था ये? ये नहीं पता गुरपाल सिंह को. मैम postulate one तो ये था कि through two points single line can be drawn. मैम उसे extend भी कर सकते हैं मैम. जस्ट ये कौन सा postulate है? यही तो मैं पूछ रही हूँ. Which postulate is this? Yes राघव. Postulate five. Raghav, you tell. Postulate two. It is that a terminated line can be extended to both sides. Postulates के number याद कर लो, axioms की ज़रूरत नहीं है. वो ही नहीं हो रहे. पांच हैं. इसका order ज़रूरी है. इनका order ज़रूरी है. पहले दो line से related है कि दो point से एक single line. दूसरा भी लाइन से रिलेटेड. टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू बोथ साइड. तीसरा सर्कल से रिलेटेड. चौथा एंगल से रिलेटेड. और पांचवा प्ले फेयर एक्सियम, पैरेलल लाइंस वाला. याद रखने के तरीके बहुत होते हैं अगर आपको याद करने की डिजायर है तो. चलिए नेक्स्ट. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. ट्रू मैम. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. ट्रू. बस वो चार पांच बच्चे हैंड रेस करते हैं. गरिमा से पूछती हूँ मैं. गरिमा ने तो अपना माइक ही मतलब आगे से गायब किया हुआ कि मुझे कोई अनम्यूट ही ना कर दे. सो लेट मी आस्क फ्रॉम ईशानी. यू टेल. Two circles are equal, then their radii are equal. Ishani. True or false? True or false? Yes. True. This is true. आप seventh में congruency करके आए थे. आपको वहाँ पे congruency word use हुआ था. That two circles are said to be congruent if their radii are equal. तो congruency में और equal में कोई फर्क नहीं है. दो circles equal तब होते हैं जब उनकी radius equal हो जाए. ठीक है. चलिए. Come to fifth. Little bit demonstration is needed for fifth. Fifth is AB is equal to PQ. PQ is equal to XY. This implies AB is equal to XY. Is it true? Yes, ma'am. Gurpal Singh ji, please बाकियों को भी मौका दे दीजिए. जिया जानवी जी, मान्यवीत से पूछते हैं. मान्यवीत, you tell. Yes, ma'am, true. Why it is true from मतलब? Because of fourth question. No, ma'am. Things which are equal to one another, they are equal to the same thing. This is not postulate. This is one of the. And this is axiom. This is axiom. तो यहाँ पे वो axiom apply हुआ कि things which are equal to same thing, AB भी PQ के equal, XY कहता मैं भी PQ को equal. तो इसका मतलब वो दोनों आपस में equal होंगे. Manavit, have you realized your mistake in telling? आपको अपनी गलती पता चली? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए next. Next question, second question जो है, एक बार second question पे नजर मारो. मुझे लगता है मैं करवा चुकी हूँ. देख लो एक बार. Yes, ma'am. All of you,
Just give me reaction if you are if you agree with me that second question we have done earlier. Anshya, Jia, only two reactions I'm getting. Baki log kahan rehte hain, bhi kis duniya mein rehte hain? Dipali, Ishani. Definitions hai, hum kar chuke hain. Parallel lines, lines which never meet when extended to both sides, distance between them says same. Perpendicular lines, those which are meeting at 90 degree, line segment, part of a line, radius of a circle, distance from first circumference to the center, and square whose all sides equal each angle 90 degree. डेफिनेशंस हमने अर्लियर मैंने तभी आपको बोला था ना जब मैं डेफिनेशंस करवा रही थी कि आपको लग रहा होगा कि मैम ये वाली डेफिनेशंस बीच में से कहां से करवाई जा रही है इसीलिए करवा दी थी ताकि जब हम एक्सरसाइज करें हमारा जो डेफिनेशंस का पंगा ही खत्म हो जाए ठीक है नोट्स डाल लो मैम ग्रुप में नोट्स बेटे मैं डेफिनेशंस के जरूर डालूंगी क्वेश्चंस के आपको खुद साइड बाय साइड अब लिखना पड़ेगा या फिर आप वीडियो देखो YouTube कॉन्सेप्ट्स के डाल दूंगी चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 लेट अस स्टार्ट कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो अब देखो हमने यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स किए इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई और पोस्टुलेट्स है ही नहीं उसने कुछ हमें 2 पोस्टुलेट्स दिए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आई एम नॉट गोइंग टू राइट आई एम जस्ट रीडिंग आउट गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी There exists a third point C, which is between A and B. दो given points हैं A and B. उनके बीच में एक point C आ गया, एक point C, which is between A and B. दो point से बनने वाली line के बीच में एक point लिया जा सकता है. ये postulate वो कहना चाहता है. और it is true. If you are having a line, you can take a point in between the line. ठीक है? पहला postulate ये कह रहा है. दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन आपको पता है जब भी हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर बनानी होती है तो हमें कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेने पड़ते हैं तभी जाके ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है तो ये भी बात ठीक है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन ये 2 पोस्टुलेट्स उसने हमें दिए हम इससे रिलेटेड इन पोस्टुलेट से रिलेटेड कोई हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले क्योंकि उसने खुद ही कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं क्या पूछे डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म पहली लाइन में देखो कोई ऐसी टर्म जो आपको दिख रही हो मेरे को तो दिख रही है पहली लाइन में एक तो मेरे को पॉइंट की डेफिनेशन गिवन 2 पॉइंट आप पूरी लाइन को पढ़ो कौन सा ज्योमेट्रिकल टर्म वहां पे है पॉइंट ही है डिस्टिंक्ट को छोड़ो पॉइंट है पॉइंट की डेफिनेशन हमने की थी ना तो पहली अनडिफाइंड टर्म हो गई पॉइंट दूसरी लाइन को पढ़ो कुछ ऐसी टर्म जो अनडिफाइंड मतलब जिसकी डेफिनेशन हमें करनी चाहिए ज्योमेट्रिकली सेकंड लाइन कौन सी बोलो गुरुपाल पॉइंट मैम पॉइंट दूसरी लाइन में भी पॉइंट ही है सेम सेम और कुछ यस मैम लाइन लाइन देयर आर टू अनडिफाइंड टर्म्स व्हिच शुड बी डिफाइंड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड लाइन ये 2 पॉइंट्स हैं अनडिफाइंड टर्म्स हैं जो कि इन 2 पोस्टुलेट्स में हैं हां जी जे जे सिस्टर्स आस्क योर क्वेरी जिया जानवी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो अनम्यूट करके अपने आप को यस बेटे नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ मानवित यू वांट टू आस्क समथिंग और द हैंड हैज बीन रेज्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन चलिए जे जे सिस्टर्स आई एम इनवाइटिंग यू यू कैन टेल आस्क योर क्वेरी आई थिंक दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट देमसेल्व्स एनी हाउ चलिए सो ये 2 चीजें हमारी हो गई सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म्स कौन सी हैं दोनों में एक लाइन दूसरा पॉइंट सेकंड क्वेश्चन आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट नो मैम नो क्यों भाई मैम एक सेकंड पोस्टुलेट में कंसिस्टेंट नहीं है बच्चे ये ग्रुप ऑफ पोस्टुलेट्स है ग्रुप दोनों का ग्रुप है यस मैम इस ग्रुप को आप कंसिस्टेंट को बोलोगे मैम एक लाइन के बीच में हम कई पॉइंट्स हो सकते हैं मैम इनफिनिटी पॉइंट हो सकते हैं इनफाइनाइट हो सकते हैं पर उसने बोला देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक पॉइंट होता है तो ये तो नहीं कह रहा कि और पॉइंट नहीं होते मैम पर कंसिस्टेंट नहीं है
क्यों नहीं है, रीजन बताओ. मैं कहती हूँ कंसिस्टेंट है, मैं रीजन बता सकती हूँ. आप कहती हो कंसिस्टेंट नहीं है, आप रीजन बता दो. मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता है मेरे हिसाब से, किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता. एनी वन हु एग्री विद गुरपाल की ये कॉन्ट्राडिक्शन के राइज कर रहा है. मान्या भी दोनों मैम दे आर कंसिस्टेंट because they are not contradicting any of the previously proved statement. किसी भी previously proved statement को contradiction नहीं कर रहा ये दोनों ही line. ये जितनी भी इसमें information given है वो किसी भी mathematical proved already existing statement को कहीं भी contradiction नहीं दे रहा. तो this will be consistent. How you will write as second consistent के लिए आप क्या लिखोगे? As the two statements. As the two statements are not contradicting any of the earlier proven statement, therefore the given system will be consistent. Therefore, the given system will be consistent. Next line, same question ke saath associated. Do they follow from Euclid's postulate? Any of the Euclid's postulate? Yes. Is in dono lines mein aapko Euclid ka koi postulate involved nazar aa raha hai? Kahin? ढूंढने से क्या किस लाइन में नजर आ रहा है और क्या कौन सा पोस्टुलेट नजर आ रहा है? फटाफट बताओ. फर्स्ट और सेकंड में से किसी में आपको यूक्लिड का कोई पोस्टुलेट नजर आता हो? अंशा फर्स्ट में नजर आ रहा है. कौन सा? A line can be drawn from one point to any other point. बिल्कुल ठीक. उसने बोला first postulate में वो कह रहा है any two distinct points A and B, there lies a point C which lies between A and B. तो यहाँ से जब A और B की मैंने बात की तो एक line बनाई थी मैंने. तो इसका मतलब it follows from the Euclid's postulate number one that a given two distinct points can draw through two distinct points. जिसको डेफिनेशन पार्ट नहीं ना जिसने किया ठीक से, ऐसे नहीं मैंने तीन चार दिन डेफिनेशन पार्ट पे लगाए, उसको चैप्टर नहीं आ सकता. एक्सियम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स के नंबरिंग और उनकी स्टेटमेंट. पांच हमने सात एक्सियम किए थे, चार जो हैं वो सीधा ही हैं. इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल होल आर इक्वल सबट्रैक्टेड रिमाइंडर आर इक्वल डबल द रिजल्ट इज इक्वल हाफ द रिजल्ट इज इक्वल. बाकी तीन अलग कौन से थे? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, एक ये था. एंड देन थिंग्स विच कॉन्साइड विच ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर, ये था. एक कौन सा था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल. तीन थोड़े अलग हो गए, चार बिल्कुल मैचिंग है. सात एक्सियम और उधर से पांच postulate और कुछ definitions. अगर आती हैं तभी chapter होगा, नहीं तो chapter आपको difficult लगेगा, ये boring भी लगेगा. चलिए turn over the page, let us start with question number four. Fourth question. Fourth question is, if a point C lies between two points A and B. There are two points A and B and C lies between them. There are two points A and B and C lies between them. Then prove that, to prove AC is equal to half of AB. Such that given भी है हमारे पास, given AC is equal to CB. Given पूरा लिख लेना, पूरा given लिख लेना. Point C lies between two points AB such that AC is equal to CB. This is figure of the statement and this is given and this is to prove. Explain करेंगे, prove करेंगे इसको. ठीक है sir. Let us start with the proof. Suppose
सबसे पहले आप ध्यान से देखो, ये जो पूरी लाइन हमारे पास ए बी है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, ए सी एंड सी बी। यहाँ पे आप बता सकते हो, वैसे तो मैंने इसको फिगर के अकॉर्डिंगली लिखा दैट ए बी इज कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स ए सी एंड सी बी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सम ऑफ ए सी एंड सी बी। कैन एनीवन टेल मी एनी एक्सियम व्हिच वी हैव यूज्ड हियर, कोई एक्सियम जो हम इस यहाँ पे यूज किया है? यस अंशिया, यू टेल। Things which coincide with each other are equal to each other. बिल्कुल ठीक। ये एक चीज, ये इसको मैंने एक चीज कंसिडर किया और इसके इन दोनों के सम को मैंने दूसरी चीज कंसिडर किया और ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रही हैं। ए बी के ऊपर ए सी प्लस सी बी उसको कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब दे विल बी इक्वल। तो एक्सियम मेंशन्ड हियर, थिंग्स कॉन्साइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। Things which coincide with each other are equal to each other. Axiom जो भी use होगा उसको mention करना बहुत जरूरी है। अगर आपने axiom mention नहीं किया तो marks नहीं मिलेंगे। हाँ जी गुरुपाल। मैम यहाँ पे equals और added to equals वाला axiom नहीं आएगा? कुछ add नहीं किया, कुछ add नहीं किया मैंने। AC plus एक side पे add हुआ दूसरी पे नहीं तो कैसे आ जाएगा? Okay. Things which coincide with each other are equal to each other. ठीक है? अब अपने proof की तरफ ध्यान देना जरा। proof में हमारे पास AC है and AB है। हमारे पास CB नहीं है। हम CB को किसी तरह से भगाएंगे। Given use कर लो। CB is equal to AC. Replace कर दो। CB AC के equal हो गया। Now AB is equal to AC plus AC, 2AC. 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, hence proof. बाकी स्टेप्स में हमने अपनी जर्नल चीजों को यूज किया, यहां पे हमने गिवन यूज किया सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने कैलकुलेटिव पार्ट यूज किया एंड अकॉर्डिंगली। फर्स्ट स्टेप एक ऐसा था जिसमें यूक्लिड का एक्सियम यूज हुआ एंड यू हैव टू मेंशन दैट एक्सियम दैट थिंग्स व्हिच कॉइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। मेंशन करोगे तभी मार्क्स देंगे टीचर्स, अगर अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, वैसे अगले क्वेश्चन उसी ने बता दी है पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर दो पॉइंट्स के बीच में देयर कम्स अ पॉइंट सी इन सच अ वे such that AC is equal to half of AB, तो हम इस पॉइंट C को क्या बोलते हैं? अगर एक लाइन के बीच में एक पॉइंट आ जाए जिससे कि एक हिस्सा पूरे हिस्से का हाफ हो गया तो उस पॉइंट को हम लाइन का क्या बोलते हैं? यस जब जी, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चीज से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Fifth question is, he says in question number 4th, you have proved that AB is equal to half of AC. That means you have proved in question number 4th, after proving this, you can say that C is midpoint of the line segment AB. First line dekho question ki. In question number 4th, you can say that C is midpoint of line AB. C is मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ये हमें हमने प्रूव कर दिया। क्या कहते हैं, व्हाट यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट फ्रॉम हियर, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। पेस्ट्री को अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक ही तरीका होता है। ये नहीं कि सिस्टर का तरीका अलग होगा, ब्रदर का अलग होगा। ब्रदर का क्या कौन सा तरीका होगा कि मेरे को ज्यादा मिल जाए, सिस्टर का होता है ये पता नहीं मुझे, आई शुड नॉट डिफरेंशिएट, आपको खुद डिसाइड करना होगा, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं कि एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है।
आप इसको कैसे करोगे, लेट मी टेल, हम इसको करेंगे मेथड ऑफ, चलिए आप लिखो, लेट सी एंड डी बी टू मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. हमने दो मिड पॉइंट सपोज कर लिए अपनी तरफ से. ये क्वेश्चन खत्म करके देन आई विल फिनिश द लेक्चर. मैंने सपोज कर लिया कि दो मिड पॉइंट्स हैं, प्रूफ करना है कि एक ही होता है, पर मैंने दो सपोज कर लिए. नाउ एज सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज, डी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. एग्री? अगर सी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए सी ए बी का हाफ होगा, ठीक है. दूसरा पॉइंट, नाउ एस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब सी को भूल जाओ, डी क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, कॉल इट टू बी टू, कॉल इट टू बी टू. मिड पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी सी पे भी और डी पे भी, दो इक्वेशंस आ गई. नेक्स्ट स्टेप थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट डाउन, टू माइनस वन गिव्स, टू माइनस वन गिव्स. आपको इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी आ गई है, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट, सो ए डी में से ए सी माइनस हुआ और उधर हाफ ऑफ ए बी में से हाफ ऑफ ए बी माइनस. ये भूल जाना है, दिस इज डेंजरस स्टेप. सेकेंड माइनस फर्स्ट, दिस इज समथिंग डेंजरस दैट विल, दैट यू विल फॉरगेट इन एग्जाम. अब आओ जरा, एडी में से एसी माइनस हुआ, देखें क्या बना. दिस इज एडी माइनस एसी, फिगर के अकॉर्डिंग.